पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धिहायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गर्हं नाभिगच्छय। आदमी के जीवन के व्यवहार में पवित्रता और विशुद्धता आती है और एक ईमानदारी अहिंसा संयम का संकल्प मन में रहता है तो मानना चाहिए उसके भीतर कुछ गुणवत्ता का संचार हुआ है। सारे मनुष्य साधु बन जाएं यह तो कठिन बात है। कई कई मनुष्य जो बड़े भाग्यशाली होते हैं वे ही साधुत्व का स्पर्श कर सकते हैं। वेश साधु का पहन लेना एक छोटी बात है पर साधुत्व का भीतर के आत्म परिणामों में स्पर्श होना वह विशेष बात होती है। साधु का वेश पहन लेने से कल्याण हो तो बहु रुपया भी कोई साधु का वेश बना ले क्या, वो वास्तव में यावत जीवन वाला साधु हो गया। तो खैर साधु सब लोग बन जाएंगे यह आशा नहीं है। तो फिर प्रश्न है, जो साधु तो नहीं बन सकते, गृहस्थ का जीवन ही जीना चाहते हैं, तो ऐसी कोई सामान्य बातें बताई जाएं जो सामान्य धर्म एक गृहस्थ जीवन में आचरित हो सके। तो एक राजा ने एक आचार्य जी से प्रश्न किया कि आचार्य जी, कोई छोटी छोटी सामान्य बातें धर्म की आप बताओ जो हमारे काम की हो, हमारा गार्हस्थ्य भी चलता रहे और साथ में कुछ धर्म भी होता रहे, उसके लिए कुछ शिक्षाएं आप हमें दीजिए। तो आचार्य जी ने कुछ बातें बताई। एक श्लोक में कुछ बातें आती हैं, पात्रे दानम गुरु सुविनय है सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधावादर है सर्वकालम कार्यो न श्रीमदपरिचय है संगति सत्सु सम्यक् राजन् सेव्यो विशद मतिनाम सहिष सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म की बातें पहली बात बताई। पात्रे दानम, पात्र में दान दो, गृहस्थ में हो, गार्हस्थ्य में जी रहे हो, घर में रोटी बाटी खाना बनता है जो भी, तो कुछ दान देने की भावना रखो। साधु घर में आए तो भावना रखो कोई दान हमारा लगे, साधु के पात्र में कोई चीज हमारी पड़े। तो
घर में साधु आ जाए तो भावना भावो भावना रखो साधु को दान देने की। संसार में सांसारिक दान भी चलते हैं और साधुओं को दान देने की बात भी है। दान दान है, दान दान में अपना अपना डिफरेंस भी होता है, हो सकता है कि दान का भी अपना अपना फल बताया गया है कि एक सुपात्र में दान दो तो पात्रे धर्म निबंधनम तदितरे श्रेष्ठम दयाक्षापकम मित्रे प्रीति विवर्धनम तदितरे वैरापहारक समम भित्ते भक्ति भरावहम नरपतौ सम्मान संपादकम भट्टा दव सुयशस्करम वितरणम नक्वाक्य हो निष्फलम। कि एक सुपात्र साधु को दान दो शुद्ध दान, वो धर्म के लाभ को देने वाला, धर्म का कारण है शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना। उसमें न नाम की अपेक्षा न बस भावना से साधु को बहरा वो दान दो। ऐसा नहीं कि नाम खुद आ जाएगा इसने साधु को गोचरी बराई दान दिया, वो अलग ही एक लोकोत्तर अध्यात्म का मार्ग शुद्ध भी साधु को दान दे दिया। तो मान लो साधु को तो मौका मिले तब दे दें, बाकी हमारे गांव में और में कुछ हम दान करते हैं, कोई गरीबों को और को कोई रोटी बाटी कोई झोंपड़ी झोंपड़ी कोई कुछ दे दिला देते हैं तो क्या होगा। तो श्लोक में कहा गया श्रेष्ठम दयाक्षापकम कि साधु को दिया वो तो धर्म की बात हो ही गई, औरों को दान दोगे तो आपकी एक मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कभी बड़े गांव के हमारे सेठ साहब हैं, गरीबों का ध्यान रखने वाले हैं, कोई भी घर में जाओ खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ न कुछ देकर ही भेजते हैं, बड़े दयालु हैं सेठ साहब। तो दयालु के रूप में दयावान के रूप में आपकी ख्याति हो सकेगी, गरीबों आदि को कुछ दोगे और समाज में कुछ लोग साहब इन्होंने इतना अनुदान दिया वो दिया, नाम हो सकता है। कि मित्र को कुछ दे दें तो क्योंकि मित्र का जन्म दिवस है बर्थडे तो कुछ उपहार गिफ्ट भेज दो। का मित्र को कुछ दोगे तो प्रीति विवर्धनम प्रेम बढ़ेगा आपका, मित्र से मित्रता और पुष्ट हो सकेगी। अगर शत्रु को कुछ दे दें तो शत्रु को दे दोगे तो बैर भाव कम हो जाएगा, बैर भाव मिट जाएगा शत्रु को कुछ प्रेम से दे दोगे तो। तो कह ठीक है कोई नौकर चाकर को दें तो होली दिवाली बार त्योहार आया घर में नौकर चाकर है कुछ मिठाई दे दी कुछ रुपया दे दिया कोई ड्रेस बना कर के बनवा कर दे दी, ऐसे नौकर चाकर को कुछ दे दें एक्स्ट्रा मूल वेतन के सिवाय एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो कि नौकर चाकर को दोगे उनमें भक्ति का भाव बढ़ेगा, भी सेठ साहब ने बड़ी कृपा की हम और ज़्यादा सेवा करेंगे इनकी, तो नौकर चाकर में भक्ति का भाव बढ़ सकता है। तो क्या किसी राजा आदि को कुछ नजराना उपहार कुछ जाकर के भेंट में दे दें तो कि राजा है कोई, आजकल राजा तो भारत में यूँ है नहीं, आजकल तो सरकार है मंत्री है ऐसे वे लोग सरकार के लोग मंत्री, तो उनको भी कुछ कुछ गिफ्ट कुछ जाकर के उनके पास कुछ दे दें तो कि राजा आदि को मंत्री आदि को कुछ दोगे वे आपका सम्मान बढ़ाएंगे आपकी इज्जत बढ़ाएंगे आपका कुछ काम करा देंगे। मान लो तो कोई भाट आदि कोई है कोई कविता बनाने वाले उनको कुछ हम दे दें तो वे आपका यशोगान करेंगे आपके बारे में कवित्व कुछ बना देंगे बोलेंगे। तो कहा दान किसको भी दो अच्छी भावना से दान किसको भी दो निष्फल नहीं जाता, कोई न कोई फल उसका लगता है। तो यह कहा गया पात्रे दानम कि गृहस्थ जीवन में हो तो पात्र में दान दो। दूसरी बात बताई गुरु सु विनय है, जो गुरुजन हैं धर्म गुरु हैं कि उनके प्रति विनय रखो,
साधु लोग भी मुथेण बंदा में बोलो, उनका विनय करो, वंदना करो। तो गुरुओं के प्रति विनय रखना चाहिए। और तीसरी बात है दया रखो, सर्व सत्वानुकंपा, सब जीवों के प्रति दया की भावना, अनुकंपा की भावना रखो। चौथी बात है न्यायावृत्ति ही, न्याय वृत्ति, न्याय के मार्ग पर चलो, नैतिकता, नीति, न्याय, इस मार्ग पर चलो, न्याय विरुद्ध काम मत करो। पांचवी बात है परहित विधा बाद रह सर्व कालम, दूसरे का हित हो इसका ध्यान रखो, कि मेरे से किसी का अहित नहीं होना, हो तो किसी का कल्याण करें, किसी का अहित मेरे द्वारा न हो। कि परहित की विधि है उसमें आदर का भाव रखो, दूसरे का आध्यात्मिक हित कर दें तो भी बहुत, वो भी बहुत लोकोत्तर बात है, संसार में लौकिक हित की बात भी चलती है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित के समान धर्म नहीं, आध्यात्मिक हित है तो धर्म है ही है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना वो बड़ा अधर्म है। परस पीड़ा न कायब्बा, दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो परहित विधा वादरह सर्वकालम। छठी बात बताई है कार्यो न श्री मद परिचय है, अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री है, लक्ष्मी है, और कुछ चीज आपके पास है तो भाई आपको घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा आपके पास है तो पैसे का भी घमंड नहीं, ज्ञान विद्या है तो विद्या का भी घमंड नहीं। विद्या विनये न शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है, तो विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं, रूप का घमंड नहीं कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा चेहरा कितना अच्छा है, मेरा शरीर कितना सुडोल है, तो उसका भी घमंड, और तो क्या, निरोगता का भी घमंड नहीं, मैं कितना निरोग हूँ, इसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड का परिचय मत करो। सातवीं बात बताई संगति ही सत्सु सम्यक, कि सज्जनों की, संतों की संगति करो, साधुओं की संगति करो, अच्छे लोगों की, गृहस्थों में भी रहो तो अच्छे लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहो, अच्छों की संगति करो ताकि अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छी बातें देखने को मिले, अच्छे संस्कार आ सकें। इसलिए संगति अच्छों की करो। राजन सेव्यो विशद मतिना सहिष सामान्य धर्म है, कि राजन यह विशद मति वाली आदमी को यह सामान्य धर्म की बातें हैं, उनका आसेवन आचरण आदमी को करना चाहिए। तो एक धर्म है जो एक आराधना के रूप में, जैसे समयबद्ध धर्म है, सामायिक करना, पौषध करना, माला जपना, ये इस प्रकार के धर्म हैं, वो समय लगा करके किए जाने वाले धर्म में बहुत बढ़िया धर्म है, अच्छे धर्म हैं, आत्मा की शुद्धि के उपाय हैं। एक तो वह धर्म हो गया समयबद्ध, उपासना रूप मान ले। दूसरा धर्म है व्यवहार, व्यावहारिक धर्म, व्यवहार में धर्म, व्यवहार कितना आदमी का अच्छा है, ईमानदारी, अहिंसा, संयम, ये चीज़ें व्यवहार में आती हैं, व्यवहार इनसे प्रभावित या ओतः प्रोत होता है, तो यह व्यवहार में पाला जाने वाला धर्म हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अणुव्रत आंदोलन की बात बताई, और अभी 75वां वर्ष भी
अनुव्रत का संपन्न हुआ था। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष संपन्न हुआ। तो वह अनुव्रत जो है गुरुदेव तुलसी द्वारा जो चलाया गया, वो व्यवहार में धर्म की बात भी, व्यवहार में धर्म आए। उपासना वो कुछ अपनी अपनी पद्धतियां हो सकती हैं, पर व्यवहार में धर्म की झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, यह कोई भी उपासना पद्धति को मानने वाला हो भी, यह कौन कहेगा कि बेईमानी करनी चाहिए, धोखाधड़ी करनी, ऐसा कौन सा धर्म यह बात कहने वाला होगा। तो व्यवहार में धर्म आए, तो अनुव्रत है वो ऐसा एक आचार संहिता का क्रम है कि जैन हो और कोई हो, अजैन हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी आदमी अपने व्यवहार में धर्म को अवतरित करने का, व्यवहार में धर्म को रखने का प्रयास करे। और व्यवहार में धर्म है, मन में भावों में धर्म है, मैत्री की भावना है, सबके साथ मैत्री, लड़ाई झगड़ा फालतू किसी के साथ नहीं, राड़ आदि बाढ़ मैत्री भाव सबके साथ रहे। अनुव्रत गीत में भी कहा गया है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय। तो यह व्यवहार में धर्म, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान कराते थे, शिविर संचालन भी करते, तो यह ध्यान है वो एक अध्यात्म की भीतर की शुद्धि की बात, राग द्वेष मुक्ति के भावों में रहना, यह बहुत एक आत्म शुद्धि की बात है भी, राग द्वेष मुक्त रहो। तो मेडिटेशन, योग, अनुप्रेक्षा, इनके द्वारा भी हम आत्म निर्मलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो राजा को जो एक संदेश दिया गया सामान्य धर्म, तो वो सामान्य धर्म को हम एक प्रकार का अनुव्रत से मानो मिलता जुलता सा धर्म मान ले कि व्यवहार में धर्म, तो वह गृहस्थों के जीवन में रहे और जो विद्या शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको भी ये सामान्य धर्म की बातें भी, नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, संयम, नशा मुक्ति, सद्भावना, ऐसे संस्कार विद्यार्थियों को मिलते रहें, तो एक और पुस्तकों से भूगोल, खगोल आदि विषयों का ज्ञान दिया जाए, तो दूसरी ओर साथ में ये जीवन में नैतिकता, आध्यात्मिकता ये विकसित हो सके, ऐसे संस्कार भी विद्यार्थियों को मिलते रहें, तो विद्यार्थियों में अगर अच्छे संस्कार आ जाते हैं, रहते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी बच्चे हैं, वो एक प्रकार से भविष्य हैं। तो बच्चे अच्छे हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे योग्य हैं, ज्ञानी भी बने हैं, तो मानना चाहिए, आशा करें, हो सकता है समाज का, राष्ट्र का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। तो अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो, शिक्षक पढ़ाने वाले वो एक प्रकार से विद्यार्थियों के निर्माता, विधाता,
तो अच्छा निर्माण हो विद्यार्थियों में, अच्छे संस्कारों का सृजन हो, ऐसा प्रयास भी काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।